नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नीर 143 क्लास पे। दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि सेशन स्टार्ट करने से पहले जो हमारे भाई बहन हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और लाइक बटन को प्रेस कर दें। तो दोस्तों, देरी किस बात की, सेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप लोगों को तो पता ही है, हम इस सेशन जो सेशन मैथ का होता है हमारा, उसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम लोग करते हैं, आपस में डिस्कशन करते हैं, जो या तो एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर आने की संभावना है या फिर आ चुके होते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो दोस्तों, जितने आर गवर्नमेंट एग्जाम जैसे SSC हुआ, रेलवे CBT 2 और ग्रुप डी इत्यादि जितने एग्जाम आने वाले हैं, सभी की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट के क्वेश्चनों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, देर किस बात की, सेशन को स्टार्ट किया जाए। तो दोस्तों, सेशन का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 12 पुरुषों के एक समूह से यदि 26 वर्ष और 34 वर्ष की आय वाले दो पुरुषों को दो महिलाओं द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, अर्थात 26 वर्ष और 34 वर्ष की आय के दो पुरुष हैं और दो महिलाओं के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, आपस में चेंज किया जाता है, जिनमें दोनों समान आयु के हैं, जिनमें दोनों क्या हैं, समान आयु के हैं। परिणाम स्वरूप समूह की औसत आयु एक वर्ष कम हो जाती है, इन महिलाओं की औसत आयु क्या है? तो दोस्तों, इसको हम ऐसे लगाएंगे, आप लोगों को ऐसे में बताऊंगा कि आप जो हमारे भाई बहन देख रहे हैं ना, एक बार देख लीजिएगा, हमेशा दिमाग में फीड हो जाएगा। देखिए कैसे करते हैं हम लोग। कह रहा है 12 पुरुषों के एक समूह से यदि 26 वर्ष और 34 वर्ष की आयु, कितने कितने पुरुष है दोस्तों, 12 पुरुष है, कितने हैं, 12 पुरुष है, उसमें से 26 वर्ष और 34 वर्ष आयु के दो पुरुष को दो महिलाओं से प्रतिस्थापित किया जाता है, आपस में चेंज किया जाता है। तो कितने वर्ष के, एक तो पहला हो गया 26 वर्ष और 34 वर्ष की दो पुरुषों को दो महिलाओं से चेंज किया जाता है आपस में। ठीक है, तो वो जो दो महिलाएं हैं दोस्तों, उनका पहले हम सम निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, सम। तो दो महिलाओं का सम कैसे निकालेंगे, का सम, सम मतलब योग है ना, कैसे निकालेंगे, कितने वर्ष के हैं, 26 वर्ष के हैं और दूसरा कितना है, 34 वर्ष। ठीक है, प्लस फिर क्या करेंगे, फिर टोटल कितने पुरुष है दोस्तों, 12 लिख दिया। ठीक, अब क्या कह रहे हैं, जिनमें से दोनों समान आयु के, परिणाम स्वरूप समूह की औसत आयु एक वर्ष कम हो जाती है। क्या होती है दोस्तों, एक वर्ष कम हो जाती है, कम होने का मतलब एक वर्ष घट रही है, तो 12 को किससे, एक से गुणा कर देंगे, जितने वर्ष कम हो रही हो उसकी हम पूरे समूह से गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 26 और 34 कितना हुआ, कितना होगा दोस्तों, 26 34 हो गया आपका 60, 60 से कितना चला जाएगा, 12 कम 12 माइनस के हो जाएंगे, 60 से 12 का तो कितना बचा, 48। तो दोस्तों, दो महिलाओं का सम कितना आ गया, 48 वर्ष है नहीं। अब औसत निकालना है, इन महिलाओं का औसत, तो एवरेज कैसे निकालेंगे, एवरेज कैसे निकालेंगे दोस्तों, दो महिलाओं का सम कितना आया है, 48, औसत 48 को 2 से भाग कर देंगे, औसत निकल आएगा, तो 48 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, 24 वर्ष, कितना आ गया, 24 वर्ष। ये आपका राइट आंसर है। तो दोस्तों, समझ में आया ना, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक वृत्त के क्षेत्रफल और परिधि का अनुपात कितना है, 14:1, तो अर्थात वृत्त का क्षेत्रफल दोस्तों क्या होता है, πr² सभी को पता होगा, बटे वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr, क्या होती है, 2πr, बराबर कितना मान दिया है, 14:1 मतलब 14/1। अब इसको सॉल्व करो, पाई से पाई कटा, आर से ये आर स्क्वायर कट गया, तो 2 की गुणा किससे हो गई, 14 से, तो आर बराबर कितना है, 14 × 28 सेंटीमीटर, कितना आ गया, 28 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी निकली दोस्तों, 28 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7,
आर का मान निकला है 28, तो कितनी बार हो जाएगा, दो बार, 28 × 28, 7 × 1 = 28, तो 22 × 2 कितना हुआ, 88 हुआ दोस्तों, 88 की गुणा किससे हो जाएगी, 28 से, तो कर देंगे कितना आ जाएगा दोस्तों, 88 की गुणा 28 से करेंगे, आठ है 64, 6 × 8 = 16, 22, 4 × 2 = 4, 6 × 4 = 2, 24 × 64 कितना आ गया दोस्तों, 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आपका राइट आंसर, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना आएगा, 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों चलते हैं अपने अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है दो अंकों की एक संख्या का 7 गुना उसके अंकों के क्रम को उलटने पर प्राप्त संख्याओं के 4 गुना के बराबर है, यदि दी गई संख्या दो अंकों की संख्या के अंकों के बीच का अंतर 3 है तो अंक संख्या के अंकों का योग ज्ञात करना है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, तो इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों, कैसे सॉल्व करेंगे, तो दोस्तों दो अंकों की संख्या कौन से हो जाएगी, दो अंकों की संख्या हम मान लेते हैं 10x + y, 10x + y हो गई, कह रहा है दो अंकों की एक संख्या का 7 गुना, दो अंकों की संख्या क्या माने हमने, 10x + y, इसका कितने गुना, 7 गुना, 7 गुना मतलब 7 से गुणा, बराबर क्या कह रहा है, अंकों को के क्रम को उलटने पर, अंकों के क्रम को उलटने पर, पहले अंक कितने थे 10x + y, अब अंकों के अंक क्रम को हमने चेंज कर दिया तो क्या हो जाएगा, 10y + x हो गया भाई, अंकों के क्रम को हमने क्या किया, उलट दिया है, नहीं उलटने पर प्राप्त संख्या के 4 गुना के बराबर है, कितने गुना के, 4 गुना के, तो 4 से हम गुणा कर देंगे, ठीक है, अब अंदर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, इधर 7 से होगा तो 70x + 7y = 40y + 4x, तो ये x इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 66x, 70 से 4x घट जाएगा, बराबर कितना होगा, 40y से 7y घटा तो 33y, तो x/y बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 33/66, 33 × 33, 33 × 2 = 66, 1/2, x/y कितना आ गया दोस्तों, 1/2, अब कह रहा है यह दी गई संख्या के बीच दो अंकों के संख्या का बीच का अंतर कितना है, 3 है, तो x और y का डिफरेंस दोस्तों, x y का मान कितना निकला है, x का मान 1, y का मान 2, अंतर कितना है 3, तो 1 और 2 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, अंतर 1 ही हो, 2 से 1 गया तो 1, अंतर कह रहा ना 1 की वैल्यू कितने है, 3 के बराबर है, किसके बराबर, 1 की वैल्यू 3 के बराबर, 1 की वैल्यू 3 के बराबर, तो अंतर 3 है, 1 की वैल्यू 3 के बराबर, तो संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग मतलब x की वैल्यू कितनी, 1, तो x के लिए कितना हो जाएगा, 1 की वैल्यू मतलब x का बराबर 1 है, तो 1 का मान कितना है, 1 की वैल्यू 3 हो जाएगी, y का मान 2 है, 2 जब 1 का मान 3 तो 2 का मान कितना हो जाएगा, 6 है नहीं, तो अंकों का योग, अंकों का योग कितना हो जाएगा, टोटल योग क्या हो जाएगा, सम 3 और 6 जुड़ जाएंगे, तो 6 × 3 कितना हुआ, 9, राइट आंसर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, 20 अवलोकनों का माध्य 85 था, कितना था दोस्तों, 20 अवलोकनों का माध्य 85 था, लेकिन बाद में यह पाया गया था कि 94 को गलती से 50 के रूप में पढ़ा गया, कितने को कितने के रूप में, 94 को 50 के रूप में पढ़ा गया गलती से, तो सही माध्य क्या है दोस्तों, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको सॉल्व करते हैं, कितने अवलोकनों का माध्य 85 था, 20, तो 85 था, कितने अवलोकनों का माध्य, 20 अवलोकनों का माध्य, तो 85 प्लस, लेकिन बाद में यह पाया गया था कि 94 को गलती से कितना 49 के रूप में लिखा गया, तो 94 कितना लिखा गया, 49, तो 94 से 49 हम माइनस कर दें, बटे
बटे किस कितना हो जाएगा? बटे 20, कितना? 20, क्योंकि टोटल अवलोकन कितने हैं? 20 हैं, ठीक है, तो 20 से हम डिवाइड कर देंगे, तो 85 प्लस 94 से 49 गए तो कितने बचे? 9, 5, 14, 45 बटे 20, 45 को दोस्तों 20 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0 से कटा तो पॉइंट लग गया, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2.25, कितना आ गया? 85 प्लस 2.25, तो 85 में 2.25 जोड़ेंगे तो 85 तो 87.25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 87.25, ये आपका राइट आंसर है। तो दोस्तों चलते हैं अपने अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की ओर। चलिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि पी क्यू से 40% अधिक है, आर एस से 30% कम है और एस पी से 25% कम है तो कौन सा विकल्प सही है? दोस्तों ये मोस्ट बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो कि रेलवे में पूछा गया है। दोस्तों इसको करते हैं सॉल्व। तो पहले कह रहा है पी क्यू से 40% अधिक है, तो दोस्तों 40% की वैल्यू कितनी होती है? 40% की वैल्यू होती है 2/5, है नहीं? तो पी क्यू से, पी है क्यू से, किससे? क्यू से कितने परसेंट है? 40% अधिक है। तो मान लो पहले क्यू कितना है? 5 है, कितना है? 5 है भाई, 40% का मान कितना निकला? 2/5, 5 क्या है? क्यू का मान, कह रहा ना पी क्यू से, है नहीं? तो क्यू का मान 5 है, कितने परसेंट अधिक है? 40%, तो अधिक कितना है? 2/5 है, 2 अधिक है तो 5 में 2 जुड़ा है तो पी का मान कितना हो गया? 7, इतना समझ में आया होगा। अगला क्या कह रहा है? आर एस से 30% कम है, 30% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3/10, क्या हो जाएगी? 3/10, है नहीं? आर एस से, आर जो है एस से कितने परसेंट कम है? 30%, तो एस की वैल्यू मान लो पहले 10 थी, कितनी थी? 10, अब आर की कितनी हो जाएगी? 3 कम है ना, तो 10 से 3 गया तो 7 हुआ, कितना आया? 7, 10 से 7 हुआ, है नहीं? फिर क्या कह रहा है? एस पी से 25% कम है, एस पी से 25% क्या है? कम है, तो 25% की वैल्यू कितनी हो गई? 1/4, है नहीं? एस जो है पी से 25% कम है, तो पी की वैल्यू 4 थी, कितनी थी? 4, एस की कितनी हो जाएगी? 1 कम है तो कितनी हुई एस की? 3 हुई, कितनी हुई? 3, है नहीं? इतना आप लोगों को तो समझ में आ ही गया होगा, ठीक है? अब क्या कह रहे हैं? अब दोस्तों हम क्या करेंगे, हम अब सभी के मान क्या हैं सेम करेंगे। कैसे करेंगे? यहाँ पर पी की वैल्यू कितनी है? 7, यहाँ कितनी है? 4, पी की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 7 है, यहाँ कितनी है? 4 है, ये दोस्तों सब अलग अलग है ऐसे, है नहीं? ऐसे देखिएगा, अब पी की वैल्यू बराबर करने के लिए क्या करेंगे, अगर जो हम यहाँ 4 से गुणा कर लें यहाँ 7 में और यहाँ 7 से गुणा कर लें, ठीक है, तो पी की वैल्यू क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। तो यहाँ 4 से गुणा, जब इधर P में हमने 4 से किया तो Q में भी 4 से करना पड़ेगा, अब इधर P में किससे करेंगे? 7 से, तभी तो 7 × 28 होगा, यहाँ भी 7 से करते हैं, इतना समझ में आया होगा। अब दोस्तों क्या करेंगे, हम Q की वैल्यू बराबर करेंगे, Q नहीं S की, S की कैसे बराबर करेंगे? S की यहाँ कितनी है? 10 है और यहाँ कितनी है? कितनी है? 21 है, 7 × 21, है नहीं? तो हम यहाँ किससे गुणा करें दोस्तों? 21 से गुणा करें, किससे गुणा करेंगे? 21 से, और इधर किससे गुणा कर दें? 10 से गुणा कर दें, तो इधर भी 10 से गुणा, इधर 21 से गुणा किया तो इधर भी 21 से गुणा किया, है नहीं? अब इतना तो समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों क्या करेंगे, हम क्यूब जो है आर, आर की वैल्यू यहाँ कितनी है? अब किसका किसका मान निकालना है, कौन सा विकल्प सही है, कौन सा विकल्प सही है? तो दोस्तों देखते हैं, Q
क्यू की वैल्यू कितनी है यहाँ 20, कितनी है 20। अब दोस्तों जब हमने इधर भी यहाँ पी की वैल्यू कितनी हो गई दोस्तों देखो 7 × 28 280 हुई, यहाँ कितनी है 7 × 28 28 ही है। तो इधर भी हमको क्या करना पड़ेगा 10 से गुणा करना पड़ेगा, 10 से गुणा कर दिया तभी तो भाई पी की वैल्यू सेम आएगी 7 × 28 280। अब यहाँ भी देखिए 280 है भाई, तभी तो सेम होगा ना। अब पी और क्यू बराबर, पी की वैल्यू कितनी हो गई 7 × 28 280, पी बराबर क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 5 × 20 200 R। ये है ऑप्शन में नहीं है, पी और आर है ही नहीं। आर और पी देखते हैं, आर और पी, पी की वैल्यू कितनी है 280 बराबर भाई, तो पी की वैल्यू 280 इधर भी है उधर भी है, और आर की वैल्यू देखते हैं 7 × 7 = 14 147 है कि कोई ऑप्शन में 280 पी और 147 आर, 280 पी 147 आर नहीं है, ये भी ऑप्शन में नहीं है। अब क्या देखते हैं, पी और आर की वैल्यू देखते हैं या क्यू और आर, किसकी क्यू और आर की वैल्यू देखते हैं। क्यू का मान कहाँ है, ये कितना आ जाएगा 5 × 20 दाम 200 क्यू बराबर, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 147, साथ ही किससे गुणा कर देंगे तो 147 है कि ऑप्शन में 200 क्यू बराबर 147 है, सी वाला ऑप्शन है दोस्तों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 200 क्यू बराबर 147 आर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा, यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा, यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।